आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा की सब्ज़ी। ये राजमा है मैंने उबाल के रख लिए हैं, मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है, वो साइड में अलग कर दिया है। और ये मैंने पेस्ट भी तैयार कर लिया है लहसुन अदरक और प्याज का। और ये है हमारी टमाटर की प्यूरी जो मैंने बना के रख ली है। मैंने इसके अंदर डाल दिया सरसों का तेल, डालूँगी जीरा, जीरा भी हो गया है तो अभी मैं डाल दूँगी। ये मैंने पेस्ट बनाया था इसका, अगर आपको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है तो बारीक ही बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा दरदरा सा पीस के डालती हूँ। अभी हम इसको फ्राई होने देंगे अच्छे से। और अभी मसाला जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। ये डाली मैंने इसके अंदर हल्दी, और डालूंगी मैं मिर्च। अभी इसको कर देंगे मिक्स। अभी इससे ये बहुत अच्छा कलर आएगा, और मैं जो टमाटर की प्यूरी है वो बाद में डालूंगी। थोड़ा सा इसको अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। और ये भी अभी रेडी है, और अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी जो मैंने बनाई थी। सबका तरीका है वो सब्जी बनाने का अलग अलग होता है, तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ सिंपल तरीके से। मेरा तो यही तरीका है सब्जी बनाने का, मैं सिंपल मसाले यूज़ करती हूँ, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ऐड नहीं करती हूँ। और अभी हम इसको थोड़ा पकने देंगे अच्छे से, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे राजमा। जब ये थोड़ा तेल छोड़ने लग जाएगा तो समझो हमारा मसाला रेडी है सब्जी के लिए। अब इसको थोड़ा सा और मैं फ्राई होने दूंगी, अब इसको और थोड़ा पकने देते हैं। कलर देखिए मसाले का, मैंने कोई लाल मिर्च मिक्स नहीं की है, जो हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करते हैं कलर के लिए, मैंने वो भी नहीं डाली है। अगर हम ऐसे ही मसाला डालते हैं उस पेस्ट के अंदर तो इससे बहुत अच्छा कलर आता है, सब्जी लाल हो ही जाती है, हमें कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हमारा मसाला है उसने ऑलमोस्ट तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि मसाला हमारा तैयार है सब्जी के लिए। देखिए अभी मैं इसके अंदर डालूंगी राजमा। ये मैंने भिगो के रखे थे, फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया। इसको कर लेते हैं मिक्स, थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही मसाले के अंदर पकाएंगे बिना पानी डाले। ये अच्छे से इसके अंदर मसाला भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये भी थोड़ा मसाले के अंदर जो है वो पक जाएं। और अभी मैं डालूंगी इसके अंदर पानी जो मैंने साइड में रखा था, मैंने निकाल दिया था उस पानी को। पानी में गर्म ही था इसलिए सब्जी पकने लग गई है एकदम से।
थोड़ा पानी मैं और डालूंगी इसके अंदर। सब्जी अभी पकने लगी है तो मैं कुकर को थोड़ा बंद कर दूंगी। इसको दो सीटी लगवाऊंगी मैं। राजमा तो पहले से ही पके हुए हैं और अभी धुआं ज़्यादा आ रहा है इसमें से, तो कुछ क्लियरली दिखा नहीं पा रही मैं। सो अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी, इसको दो सीटी लगवा लेती हूँ मैं, कर दूंगी इसको बंद। फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सब्जी कैसी बनी है। सब्जी हमारी बन के तैयार है खाने के लिए। ये देखिए कैसी बनी है सब्जी। सो प्लीज़ आप सब कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। सो ओके बाय।